السلام عليكم، بايو ال اس كي اكسرسايز نمبر 6 بارت 2 ايمج پروسیسنگ چپٹر ہے. اس میں پہلا ٹاپک ہے جیومیٹرک کریکشن اینڈ ایمج پروسیسنگ. یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے کریٹ بائی جیو ریفرنس پہ کیا لکھا ہے اس کو کریٹ کرو. جیو ریفرنس کریٹ جیو ریفرنس اوپن. نیم کیا دینا ہے؟ نیم یہ دینا ہے. پیسٹ کرو اور جیو ریف کارڈ از سلیکٹڈ. یہ آلریڈی سلیکٹڈ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ڈسکرپشن ہے. جیو ریف کارنر یہ آلریڈی سلیکٹڈ ہے. اچھا اس کے بعد کریٹ کوآرڈینیٹ سسٹم ڈائلاگ اوپن. کریٹ بٹن دا کوآرڈینیٹ سسٹم از لیس باکس. اچھا کوآرڈینیٹ سسٹم پروجیکشن کلک اوکے. کلک دا گریٹ بٹن نیکسٹ کوآرڈینیٹ سسٹم دس باکس گریٹ سسٹم ڈیولپ باکس. منیمم ایکس وائی ایکس اینڈ وائی ہمارے ساتھ ویلیوز ہیں 3000 میکزیمم. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کلک اوکے. اچھا سائز 10 یو آر بیک دا کریٹ یو ریفرنس ڈائلاگ باکس انٹر دا پکسل 10 اینڈ سیو کوآرڈینیٹ میکسیمم. سیم کوآرڈینیٹس یہ ہے پی وی اس کو ڈالنا ہے. صحیح ہے.
वीडियो हमने डाले मैक्सिमम और मिनिमम, और इसके बाद क्या उसने लिखना है, क्लियर द चेक बॉक्स सेंटर ऑफ कॉर्नर, जो यहाँ पे चेक लगा हुआ है उसको क्लियर करो, सही है, और ओके कर। अच्छा हमारे साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। इसके बाद डिस्प्ले द स्कैन टोपोग्राफिक मैप, डिस्प्ले स्कैन मैप फोल्डर एंड ओपन द फाइल मेन्यू, सेलेक्ट द क्रिएट जियो रेफरेंस, द क्रिएट जियो रेफरेंस इज ओपन, अच्छा इसके आगे क्या करना है, इसको नेम देना है FLEV2, इसी में नेम डालना है, बाद में इसकी टाइप डिस्क्रिप्शन, ये इसकी डिस्क्रिप्शन, साथ साथ If the option your type is selected, ये तो already selected है, अच्छा select coordinate system will be if you just create and click OK, अच्छा coordinate system सही है, आगे ओके होंगे सही है। इसके बाद क्या करना है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे वैल्यू देना है, सही है, कौन सा पहला वैल्यू है यहाँ पे, कहाँ पे E1, ये हमारे साथ E1 है, चाहिए इसको जूम करके इस पर क्लिक करके और यहाँ पे डालना है, अच्छा और दूसरा को ओके कर दे, एक तो ऐड हो गया हमारे साथ जो इस तरफ पे लास्ट में ये ऑलरेडी क्लिक है, जो P2 है इसका वैल्यू इसी तरह कॉर्नर P1 P2 P3 P4 सारे इस तरीके से वैल्यू डालना है, सही है, अभी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, ये हमारे साथ P2 ऐड हो गया, सही है,
इसी तरह P3 P। अच्छा इस तरह हमने A P1 P2 P3 सारे कॉर्नर्स के जो वैल्यू है हमने डाल दिया और ओके कर दिया। आप ये देख लें कि यहाँ पे 0.345 पिक्सल आ गया और यहाँ यहाँ पे उसने क्या लिखा, टाइप पॉइंट एडिटर पासिंग द एडिटर एग्जिट बटन द टूल बार व्हेन द सिग्मा वैल्यू इज लेस देन 1 पिक्सल। ये आप देख देख लो ये 1 पिक्सल से लेस देन है, मतलब हमारा जो टाइप पॉइंट यहाँ पे लगा दिया वो सब ठीक है, 1 पिक्सल से लेस है। उसके बाद यू विल बी हमारे जो टोपोग्राफिक मैप है वो जो रेफरेंस हो गया, आप ये देख ले यहाँ पे को वैल्यू आ रहा है सही है। जो रेफ हो गया अच्छा। इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लोज कर दे, मैं क्या लिखा है कि आप पहले जाओ ओपन स्टेटेड इमेज स्पॉट B3, कहाँ पे है स्पॉट B3 को ओपन कर दें। आगे क्या है इसे इसके ये हमारे साथ स्पॉट एक्स इमेज द क्रिएट यू रेफरेंस। इसके बाद एंटर कॉपी कर ले, साथ साथ डिस्क्रिप्शन डाले और क्या लिखा है, सेलेक्ट ज्यूरिफ टाइप पॉइंट सेलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम दे विल बी इन ओके ज्यूरिफ टाइप। ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट है और कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओके कर दिया।